वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मुसाफिर। तो दोस्तों, आपको हम यहाँ गौरीकुंड में यहीं पर कैंपिंग करके सो रहे थे। ये है घोड़ा पड़ाव स्थल, यहीं से घोड़े पर बैठ के यात्री ऊपर की ओर जाते हैं। अगर घोड़ा यहाँ से गौरीकुंड से हायर करते हो तो आपको 2540 रुपए में पड़ेगा। तो चलते चलते 1 किलोमीटर कवर हो गया। केदारनाथ अभी बचा है 15 किलोमीटर। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा देख के चलना रहता है, फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। पिट्ठू का चार्ज कोई फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें कोई फिक्स नहीं किया हुआ। इसमें 5000 एवं सिंगल साइड, 10000 अप डाउन डबल साइड, जो आप कैसे मैनेज करते हो। इन पिट्ठू वाले भैया को मैंने पूछा तो इस तरह उन्होंने बताया। बीच बीच ऐसी जगह में कुछ खाते पीते चलो। ये कौन सा जूस है भैया जी? ब्रांस का जूस है। ब्रांस, अच्छा, इससे श्वास फूलता नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है ये। कैसा लगा? शानदार, शरबत की तरह। हाँ, ये इन घोड़ों से थोड़ा बच के चलना चाहिए। ये अभी दो दो घोड़े साथ में निकल रहे हैं और चलने का और घोड़ों का रास्ता एक ही है यहाँ पर। तो अभी अभी घोड़ा गिर गया था ऑलमोस्ट, और बाद में वो ऊपर है ना यात्री थे, वो थोड़ा मतलब उनका लगा तो नहीं, लेकिन बच गए। तो थोड़ा साइड में और आराम से धीरे धीरे चल लिए। अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली। यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसी का मिलता होगा, लेकिन काफ़ी 3-4 जगह ट्राई किया, नहीं मिला। खच्चरों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता अलग है। नीचे से जा रहा है ये खच्चरों के लिए, ये ऊपर से जा रहा है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। और अभी यहाँ पर पी रहे हैं चाय। थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं, यहाँ पर जो हादसा हुआ 2013 में, बड़ा बाजार था वो तबाह हो गया, वो दिखाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं। पहले रामबाड़ा यहाँ बड़ा बाजार हुआ कर रहा था, जो 2013 की आपदा में सारा के सारा बह गया। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा मलबा नीचे ढह गया, वहाँ सामने रास्ता हुआ करता था पहले। हम सभी अभी यहाँ पर एक छोटी शॉप है, उसमें रुक रहे हैं। तुम बाहर निकलो, तुम्हें तो स्ट्रीम आ रही है मुझसे। अभी ठंड बढ़ गई है और बारिश भी बढ़ गई है। हम ये छोटा सा छपरा है वहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, जहाँ पर घोड़े वगैरह नाइट स्टे के लिए रुकते हैं, जहाँ सारा मिले वहीं रुक लिए। और अभी आप देख रहे हो दोनों ओर ग्लेशियर है और बारिश चल ही रही है। ये भोले तो ये लेक देख रहे हो, फाइनली बेस कैंप पहुंच गए। मौसम अभी थोड़ा साफ हुआ है और बारिश भी थमी है।
ये देख रहे हो लाइन लगी है यहाँ से बाबा जी के दर्शन करने के लिए। पहले टेंट लगाने की जगह ढूंढते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। इस तरह के स्टॉल से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये छोटा पैकेट 50 रुपये का, वो 200 रुपये का, अलग अलग प्राइस रहता है। तो हमने लिया ये प्रसाद और करते हैं आगे दर्शन। अभी मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और अभी टेंट लगाते हैं। और फाइनली हमारा टेंट लुक चुका है मंदिर के जस्ट पीछे, हिमशिला के जस्ट पास में। अभी नीचे आरती चल रही है, वहाँ तक चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं आरती का। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय केदार जी।